नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28। कानपुर प्रयागराज रूट डायवर्ट। सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने के कारण कानपुर प्रयागराज रूट डायवर्जन। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सावन माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने के कारण कानपुर प्रयागराज समेत आसपास जिलों में रूट डायवर्ट कर दिया गया है। इस संबंध में कानपुर जॉइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी द्वारा दी गई बाइट। कानपुर से कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। सावन मास में प्रत्येक सोमवार के लिए और कांवड़ यात्रा के विशेष संदर्भ में और मंदिरों के संदर्भ में सुरक्षा व्यवस्था, व्यवस्थापन, बैरिकेडिंग, रूट प्लानिंग और साथ में वहां पर सुरक्षा के विभिन्न उपाय, व्यवस्था के विभिन्न उपाय और अनुशासन बनाए रखना, सभी श्रद्धालुओं को बेहतर तरीके से दर्शन अथवा उनके जो धार्मिक कार्य हैं उनको किए जाने की सुविधा प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए कानपुर पुलिस ने पिछले सोमवार को भी अपने सारे प्रयास किए थे और आने वाले इस सोमवार को और जो श्रावण मास की शिवरात्रि है उसके लिए भी हमने सारे प्रबंध किए हैं। हम बेहतर तरीके से इसको करवाना सुनिश्चित करेंगे। हमने देखा है कि कुछ एक अवसर ऐसे हैं इन जुलाई और अगस्त महीनों में जहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पैदल सड़क पर आना जाना है, तो जो बड़े भारवाही वाहन हैं उनको कुछ समय अवधि के लिए डाइवर्ट किया गया है और इसके लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो कानपुर की है उसके माध्यम से और साथ में सामाजिक माध्यमों के जरिए टैग करते हुए भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को इस बात के बारे में बताया गया है कि जो उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत से मालवाही, भारवाही गाड़ियां आएंगी उनको अगर बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों आदि में जाना है तो वे फतेहपुर होकर, कानपुर से फतेहपुर, प्रयागराज, सासाराम, बक्सर होकर आगे की यात्रा करें अथवा कानपुर से फतेहपुर से फिर पुनः रायबरेली और वहां से जगदीशपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए आगे की यात्रा आजमगढ़, बड़हलगंज, गोरखपुर, कुशीनगर होते हुए करें अथवा उन्नाव से डाइवर्जन लेते हुए रायबरेली, पुनः जगदीशपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बाद में आजमगढ़, बड़हलगंज, गोरखपुर, कुशीनगर होते हुए यात्रा करें। तो यह एक व्यवस्था है जो सावन में सोमवार से D-2 यानी कि शनिवार की रात्रि से मंगलवार की सुबह तक के लिए भारी वाहनों के लिए है। बाकी सभी आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक सेवाएं, हमारे लोग, छोटी गाड़ियां, पैसेंजर व्हीकल्स, उनके लिए पुनः पूर्व की भांति ही सारी चीजें रहेंगी।